लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। किधर जा रहा है? बाऊजी को मिलना है। तेरे को पता नहीं पुलिस को अंदर नहीं जाने का? रूल्स मालूम नहीं? टोपी उतार। समस्त पापों को नाश करने वाली देवी को नतमस्तक, सर्वकादि निवारण शुभम। देख उसे तू अच्छी तरह बता दे, रोज रोज की मचमच ठीक नहीं है। नमस्ते। हाँ, राम राम बाबूजी। बोल। मेरा नाम मीन पहाड़ सी आई। मेरा नाम महंती। क्या प्रॉब्लम है बोल? कल से मेरी पत्नी नहीं दिख रही है। अच्छा, नाम क्या है? परमिला। एज? 30 है साहब। 30? बहुत खतरनाक एज है, घर में टिकने नहीं देती है। पापा पापा, मम्मी पापा, मम्मी वो रहे पापा। अरे बोल बे, किधर गई मालूम है तुझे? नहीं साहब। ठीक है, किसी पर शक तो नहीं है ना? नहीं साहब। अच्छा, ढूंढ के भेज दूंगा उसको। दो दिन में आ जाएगी वो। बच्चे भी 2 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं। तेरे को बोला ना, ढूंढ के भेज दूंगा। बच्चे को अच्छे से देख, समझा? जा जा जा। राम राम बाऊजी। अरे तेरे को बोला ना, जा जा। ए रघु, इधर आ। हाँ जी जी। मेरा राज्य राम राज्य है। इधर मर्डर नहीं होता, रेप नहीं होता, दादागिरी नहीं होती। कोई मेरी बात नहीं माने तो उसका मर्डर करने का, कोई औरत नहीं माने तो उसका रेप कर देने का, कोई हफ्ता नहीं देगा तो दादागिरी करने का, ऐसा मौका ही नहीं आता। इसीलिए ये एरिया पूरा का पूरा शांत है। क्या बताओ जीजू, तुम राम हो, मैं तुम्हारा रामदास हूँ। मेरी इच्छा है मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊँ। अबे क्या माल है रे, पर अरे उसको छोड़, ये देख सामने से आ रही, बिल्कुल ऐसी बोगी। क्या है मेरी जान? आंटी काली हो या वेटिंग लिस्ट है। ए पैसे उन्हें दे दो बेटा। क्या रे, पैसा मांगा तो गुस्सा आता है क्या? क्यों आएगा, नहीं देंगे तो क्या होगा उसे पता नहीं क्या? इन भूतों को कब मौत आएगी क्या पता? टैक्सी टैक्सी सर, टैक्सी चाहिए क्या सर? किधर जाना है? भालिम चौक। 200 रुपए। नजदीक तो है ना भैया? दूर से मतलब नहीं है बाबूजी, गैंग जितना बोलेगा उतना। नहीं चाहिए। क्या रे, खरीदी करने के बाद गाड़ी नहीं चाहिए तो भी पैसा देना ही पड़ेगा, पैसा निकाल में। सर इनसे लफड़ा मत कीजिए, पैसा दे दीजिए।
क्या रे, अकेली सिर्फ बच्ची को लाया है? इसकी माँ किधर है? नहीं आई? भाग गई। पूरी बात तो बता के जा। इसके साथ गई, हम लोग नहीं थे क्या? मैं अभी आता हूँ, है? तू यहाँ बैठ के गाना सुन। ठीक है पापा। क्या रे, वापस क्यों आया? अर्जेंट सर, इमीडिएटली आ जाऊंगा सर। चल उठ के खड़ा हो, चल चल। पहन पहन कपड़ा, बोला ना कपड़ा पहन। कह रहा हूं कपड़ा पहन, पहन। चल पैसा निकाल, इसमें से एक भी पैसा तेरा नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। आप कौन है? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। जिनका पैसा उसे दे दो। ठीक है भैया। क्या रे, समझ में आया? दोबारा दिखा तो काट दूंगा। गुड मॉर्निंग सर, राजीव पटेल नगर SI, वेलकम टू देवगढ़। सेम हियर। ये क्या सर, आप पूरा काम खुद ही कर रहे हैं? अगर बता देते तो हम सब आ जाते ना। अब तो आदत पड़ गई है। गुड मॉर्निंग सर, आई एम मानती। हेलो मानती। सर सॉरी, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रेन लेट आएंगी करके बोला, इसलिए मैं लेट हो गया। चलेगा, बैठो, थोड़ा एडजस्ट कर लो। सर बच्ची को दूध पिला दूं क्या? मैं पिला दूंगा। वो क्या सर, बच्ची को ही लाए, मैडम नहीं आई। She is no more. Sorry, sir. It's okay. पापा, स्कूल का टाइम हो गया, बहन को बाल बनाना नहीं आ रहा, आओ ना पापा। तुम इधर क्यों? मानती, तुम्हारी पत्नी? ओह सॉरी, बिना माँ के बच्चों के साथ कैसा होता है मुझे मालूम है, सब हमें देखना पड़ेगा। जाओ। मेरी माँ मरी नहीं है, वो जिंदा है। बाबूजी की कब से मैं
कौन हो तुम? तेरा बाप। अरे बाप रे, यूजू मर गए। कौन है रे तू? एक फोन करूंगा तो एक मिनट में तेरी ट्रांसफर हो जाएगी, उससे पहले तो यहां से चला जा। पुलिस का ट्रांसफर होगा तो पुलिस स्टेशन के अंदर, पोस्ट ऑफिस में नहीं। राठौर, ट्रांसफर ऑर्डर टाइप होने के पहले मैं तुम्हारा साम्राज्य खत्म कर दूंगा। सब गेट बंद करो। भाभी तुम जाके गाड़ी में बैठो। पुलिस वाले की बीवी पे हाथ डालने का क्या अंजाम होता है मैं तुझे दिखाता हूं। जल्दी गेट खोलो, मेरा बेटा बच जाएगा, खोलो। मैं आ गया हूं ना, अभी आपको कुछ नहीं होने दूंगा, नहीं तो यह मिनिस्टर सीट बेकार है। माफ कीजिए, मैंने डीजीपी को भी आने को लेकर दिया। आपको मुझ पर भरोसा तो है ना बाबूजी? अगर आपने टिटला को बुला लिया तो वो आकर पूरे शहर को जला देगा, तो फिर समझो मेरी कुर्सी धड़ हिल जाएगी। बाबूजी मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपके बेटे को छुड़ा लाऊंगा। आ गए। नमस्ते सर। तुम्हें कुछ खबर है कि नहीं? यहाँ इतना हंगामा हो गया और तुम हो कि घर पर बैठे लाठी घुमा रहे हो। लाठी को काम में लाए हुए बहुत दिन हो गए सर। गांव में कुछ भी होगा तो देख के भी अनदेखा करना, ऐसा आपका कहना है, इसलिए तो हाथ पे हाथ धरकर बैठा। बात मत करो, शहर अलग बाबूजी अलग। बाबूजी मतलब इस शहर का राजा, उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया। किसने किया, कौन है, बताते क्यों नहीं? नया आया एसीपी है सर, विक्रम राठौर। बात मत करो, वैसे आदमी को भला यहाँ तुमने क्यों बुलवाया, बताते क्यों नहीं? मैं क्यों बुलाऊंगा सर, रेगुलर ट्रांसफर। बात मत करो, ट्रांसफर क्या तुम्हें बगैर बताया किया होगा? उसका मतलब तुम ऑफिस में सोते रहते हो क्या? इतना बड़ा हंगामा हो गया, अब मैं क्या करूँ? कुछ तो बोलो। मैं इंक्वायरी करूंगा। बहाने मत बनाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम सारे के सारे पुलिस वाले आजकल बिल्कुल काम करना ही नहीं चाहते हो। देखो तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, तुम्हें दोपहर तक का टाइम दे रहा हूँ। बाबूजी के बेटे को रिहा करा कर लाओ। ऑफिसर को लो बाबूजी का कर पैर पकड़े, समझे? बात करूंगा सर, चलता हूँ। बस बस अभी से काम पे लग जाओ। भेजा खा गया मेरा। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, बदन पर यूनिफॉर्म पहनते, अपने आप को हीरो समझते हैं, हीरो समझते हैं। होम मिनिस्टर के मुंह में जो आया बग गया, जब खुद के सर पे पड़ेगा ना तब पता चलेगा। फाइल किधर है सर? ये रही। इंप्रेसिव टॉपिक है इसका। किधर है वो? फोन करूं सर? हम खुद चलेंगे। सर विक्रम सिंह राठौर, आईपीएस, फर्स्ट पोस्टिंग आंध्र प्रदेश।
चार साल की सर्विस में चार बार प्रमोशन हुआ, 10 जगह ट्रांसफर हुए, लेकिन कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। रिकॉर्ड अच्छा है, मेडल जीतना ही बड़ी बात नहीं है। ड्यूटी करते हुए डर खौफ होना चाहिए, इस बात का पता नहीं है तुम्हें? डर बोलोगे तो क्या, ये कब आता है मालूम है तुम्हें? आधी रात में जब नींद में रहोगे तब दरवाजा खटखटाने की आवाज आएगी, दरवाजा खोल के देखोगे तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा, अपने आप को बचाने के लिए सर्विस रिवॉल्वर भी नहीं होगी तुम्हारे पास। जब चारों तरफ से गुंडे घेर लेंगे तुम्हें, तब उन्हीं की आवाज सुनाई देगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि डर कैसा होता है। स्कूल से अगर लड़की 4 बजे तक घर न पहुंची हो, सिक्योरिटी गार्ड अगर ये कहे कि स्कूल से वो जा चुकी है, 6 बज चुका है, मगर 10 बजे रात को एक फोन आता है, फोन उठाते ही क्या घटना सुननी पड़ती है उसका डर मालूम है तुम्हें? राठौर, डर बहुत कीमती चीज है, उसको कमजोर मत समझो तुम। वन शुड हैव हेल्थी रिस्पेक्ट टू वर्ड्स फियर, डर नहीं तो जीना मुश्किल है। मुझे किसी से भी डर नहीं लगता सर, आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं? कभी कभी नहीं, दिन में हर पल हर मिनट डर रहता है सर। 4 साल पहले जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की थी तो मुझे कसम खिलाई गई थी कि तुम देश के लिए अपने प्राण भी अर्पण कर दोगे। सर रही बात दस्तक की या फोन रिंग की, आए या ना आए कोई बात नहीं, देखेंगे। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा सर, लेकिन मौत तो एक ना दिन जरूर आएगी सर। आंखों में बसा हुआ सपना और अपने आप से किया हुआ वादा, मुझे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है सर, बस इस वर्दी पर दाग न लगे इस बात से डरता हूं। मैं ड्यूटी का निष्ठापूर्वक निर्वाह करूंगा सर, यह मेरा आपसे वादा है। आई विल बी ऑन ड्यूटी सर। मैं एक बात और कहना चाहता हूं सर, कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। एसीपी राठौर का आपसे वादा है सर।